नमस्कार दोस्तों, प्रॉब्लम सॉल्विंग हिंदी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों मैं आज आप बात करने जा रहा हूं आपके साथ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में कि कैसे एक स्थान का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड कैसे पता लगाते हैं। तो दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करने से पहले जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इसी तरह की इंफॉर्मेशन की वीडियोज़, टेक्नोलॉजी की वीडियोज़, अपने ज्ञान को बढ़ाने वाली वीडियोज़ मैं आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं कि कैसे एक प्लेस का लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले आपने अपने गूगल में जाना है, गूगल में आपको लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को सर्च करना है। तो सबसे पहले जो आपके सामने जो रिजल्ट आएगा वो आएगा www.latlong.net का। तो जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने आता है गेट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। इसमें आपने क्या करना है कि सर्च करना है यूज़र नेम ऑफ ए प्लेस, सिटी, स्टेट, एड्रेस, क्लिक हेयर एंड फाइंड। तो आपको यहाँ पे प्लेस का नाम डालना है, जैसे मैं डाल देता हूँ चंडीगढ़ का घर, और चंडीगढ़ के बाद इसको कॉमा करके आप अपने जो है, तो आपने जब प्लेस के नाम पे ये आप डाल दोगे उसके बाद आप फाइंड करें। जैसे आप फाइंड करोगे तो आपके सामने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड अपने आप साइट जो है करके दिखा देगी और मैप पे भी दिखाएगी कहाँ का एड्रेस है। तो ये है ISTV 17 चौक का एड्रेस है ये। जब भी आप इसको कहीं और शिफ्ट करना चाहते हो, जैसे मैं इसको ले जाता हूँ कहीं पे, यहाँ पे ले जाता हूँ हिमाचल प्रदेश, तो इसका आ गया। अगर मैं इसको यहाँ पर गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल पर ले कर जाता हूँ तो वो अपने आप ऊपर जो है एड्रेस को चेंज करते रहेंगे। तो ये है, इसके नीचे आपको ये अगर कहीं पे ये लोकेशन डालनी है तो आप इस लोकेशन को HTML में भी डाल सकते हैं और URL में अगर डालनी है, लिंक डालना है तो आप ये लिंक उसको दे सकते हो। और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड क्या होता है, ये होता है जो कोऑर्डिनेट, जियोग्राफिकल जो कोऑर्डिनेट होते हैं उनका जो रिप्रेजेंट करता है उसको वो होता है। इसमें ये लिखा गया है कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो है डिग्री में मेज़र करे जाते हैं और क्या होता है इस सब के बारे में यहाँ पे बताया जाता है। ये ग्राफ का जो हम ग्राफ में किसी एड्रेस को पहचानने के लिए इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें डिजिटल हो रही हैं। तो जैसे ये डिजिटल होने के कारण आपको ये लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड बहुत सारी जगहों पे, बहुत सारे फॉर्म्स पे आपको ये फिलअप करना पड़ता है। तो दोस्तों ये होता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड जो ग्राफिकल आपके प्लेस को इंडिकेट करता है कि आपका प्लेस कौन से नॉर्थ ईस्ट, कौन से लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड में होता है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है ये जानना कैसे आप फाइंड आउट करते हैं लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को। जैसे ये GPS कोऑर्डिनेट होते हैं, GPS कोऑर्डिनेट के अनुसार भी आपका पता लगा लेता है कि आप कहाँ पे हैं और ये एड्रेस कहाँ पे है। अगर हम ऐसे ही डालें, अगर इसको हम एडिट कर दें, यहाँ पे किसी भी चीज़ को एडिट कर दें तो आप कहाँ पे चले जाओगे। तो ये लोकेशन होती हैं, जैसे अब मैं इस URL को कॉपी कर लेता हूँ, तो ये URL कॉपी करके मैं इसको ओपन कर देता हूँ, यहीं पर ओपन कर देता हूँ इसको, तो ये हमें सीधा उस लोकेशन पे ही लेके जाएगा। जैसे ये मैप पे शो कर रहा है तो मैप पे ये दिखाएगा हमें हिमाचल प्रदेश टूरिज्म डेवलपमेंट के पास हम खड़े हैं और ये यहाँ पे कितने बजे लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, DMS लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, सन इन्फो सनराइज कब होगा, सनसेट कब होगा, ये सारी चीज़ें इंफॉर्मेशन अब मैप में लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड से पता लगती है। तो दोस्तों मेरी ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होगी और इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।